अभी रिसेंटली जब सजाद भाई से मुलाकात हुई तो उनके बच्चे भी जारी बात है साथ थे दोनों। जी सर, तो मैं उनको यही बता रहा था कि देखो अब बहुत अच्छा है कि हम एक लैपटॉप से या एक टैबलेट से पूरा गाना बना सकते हैं, बट वो इन्वायरमेंट इमेजिन करो कि जब हम स्टूडियो जा रहे हैं और हमें पता है कि यार अभी हम जल्दी आ गए, तो अभी जो है ना वो बनी भाई की रिकॉर्डिंग चल रही है, या अली हैदर का गाना रिकॉर्ड हो रहा है, या जुनैद भाई आए हुए स्टूडियो के अंदर। तो हमारे लिए बड़ी है ना लाइक एक वो एक्साइटमेंट तो होती थी लेकिन सीखने को भी बड़ा मिलता था, राइट। पता चलता था। हमने नदीम जाफरी और मेरी बहुत दोस्ती है, तो मैंने और जाफरी ने एक गाना प्रोड्यूस किया था चाहो अगर तुम। मैं एसोसिएट प्रोड्यूसर कह सकते हैं या उनका यू नो लाइक छोटा कह सकते हैं तो मैं साथ ही था उस रिकॉर्डिंग में। फाखिर, फखरे आलम, अली अजमत, अली हैदर, मैं, नईम अब्बास, रूफी, बनी भाई, बहुत बहुत सारे आर्टिस्ट थे, नदीम भाई खुद थे, बहुत बहुत सारे आर्टिस्ट थे। तो हमने वो गाना जब रिकॉर्ड किया तो बड़ा मजे का सीन हुआ। थोड़ा सा तुम्हें तो सुनाता हूँ अगर टाइम है तो। ये एब्सोल्युटली सर, इट विल बी अ प्लेजर। अब एक गाना है जिसमें 10 सिंगर्स ने गाना है, तो अब सबसे पहले तो आप इमेजिन करें कि कौन सी लाइन कौन गाएगा, इस पर कितना बहस मुबहसा हुआ होगा। तो बिल्कुल मुझे बिल्कुल शुरू में एक छोटी सी लाइन दे दी गई कि यार तुम ये गाओ और यू नो अपनी जिम्मेदारी पूरी करो। तो आई वॉज लाइक ओके ठीक है। मैंने वो लाइन जितनी अच्छी मैं कर सकता था मैंने रिकॉर्ड रिकॉर्ड करा के, तो मैंने कहा यार मैं 2 दिन से काम कर रहा हूँ स्टूडियो में, मैं जा रहा हूँ घर, मैं आऊंगा कल, हो सकता है ये लाइन भी शायद दोबारा करूँ, करके मैं चला गया। मैं अगले दिन आया तो वो लाइन मेरी है ही नहीं वहां पर, उसमें तो किसी और ने गाया हुआ है। तो मैंने जी नदीम भाई को बोला, मैंने कहा नदीम भाई ये क्या सीन है, कह रहे हैं यार वो बनी भाई ने वो लाइन गाई। तो बनी भाई ने कहा मुझे ये लाइन पसंद है इसको हटाओ मैं गाऊंगा। बनी भाई को कौन बोल सकता है ना, ऑफ भाई कोर्स, सेठ है उनको, हम लोग सेठ कहते हैं। बिल्कुल मैंने कहा अच्छा फिर मैं, मेरी कोई लाइन है बची हुई? कहने लगे यार एक पार्ट है जो नईम अब्बास रूफी के बाद आता है और वो जो है ना वो तुम सुन लो। अब वो मैंने सुना तो वो रूफी जो है ना विटनी ह्यूस्टन टाइप कुछ गा रहा है उसमें। सही। मैंने कहा इसका रिपीट करना है मुझे, तो कहने लगे हाँ कर लोगे तुम। मैंने कहा नहीं करें ऐसा ही बहुत, कहना नहीं नहीं हो जाएगा। खैर वो हुआ रिकॉर्ड, फाइनल रिलीज हुआ, वही पार्ट है मेरा उस गाने के अंदर, वो हमारे हैं बेसहारे हैं समथिंग करके मैंने कुछ कुछ जो मुझे उस वक्त पूरी टीम ने समझाया मिलके कि यूं यूं करके और यूं कर दो, वो मैंने रिकॉर्ड करा दिया। वो अच्छा हो, अच्छा भी हो गया यू नो, और वो रिलीज भी हुआ। तो इस तरह के बड़े सारे वाकयात होते थे, हम लोग बड़ी चीजें जो है ना एक दूसरे की देखते थे। जैसे स्टेज पे मुझे याद है मैं काफी पहले से परफॉर्मेंसेस दे रहा हूँ, बचपन से कर रहा हूँ स्टेज पे परफॉर्मेंस, लेकिन जितना मैंने फाखिर को देख के मैं बड़ा इंस्पायर हुआ स्टेज के ऊपर। जब सही फाखिर का पहला एल्बम आया जिसमें दिल ना लगे गाना था, जी। तो उसका नया नया सोलो करियर शुरू हुआ, उससे पहले मैंने आवाज में उसको देखा था परफॉर्म करते हुए, वो कीबोर्ड वगैरह लेके परफॉर्म करते थे, बट इतना कैलकुलेटेड और इतना यू नो लाइक हर चीज प्लान्ड, यू नो लाइक एक एक यहाँ पे ये म्यूजिक बजेगा तो मैं यहाँ ये रुकूंगा, तो मैं यहाँ से ये उठाऊंगा, तो यहाँ से म्यूजिक मुझे ऐसे फॉलो करेगा, एवरीथिंग यू नो लाइक ब्लैक एंड व्हाइट में, यू राइट, नो लाइक वाह, पूरा मुझे मुझे बड़ा उससे मुझे इंस्पायर किया उसने कि यार ये इतना प्लान कर लो कि यू नो लाइक स्टेज के ऊपर आपको टाइम ही नहीं मिले किसी और चीज के लिए। हम लोग क्या होता है स्टेज पे परफॉर्म कर रहे होते हैं तो थोड़ी देर तक क्राउड एक चीज को एंजॉय करता है, हमें लगता है यार इसको अच्छा हो रहा है, बढ़ाते हैं इसको आगे, यू नो लगता लगता है निराली अली भाई करते हैं जैसे, जी तो वो थोड़ी देर के जी बाद कभी खराब भी हो जाता है, पब्लिक को पब्लिक उसको एंजॉय नहीं कर रही होती, तो उस वक्त फिर आपकी समझ में नहीं आता। तो उतना टाइम ही नहीं दो किसी चीज के लिए, यू नो लाइक 2+2 करके और बस करके निकल जाओ।